सहयोग के साथ से हुआ है तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो भक्त जनों की टोली देख रहे हैं, श्रद्धालुओं का जो टोली देख रहे हैं, साल में एक बार लॉकडाउन के दौरान दो साल से यह कांवर यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन हर साल की भांति इस वर्ष भी झरना कुंड धाम से जल लेकर ध्वजाधारी धाम तक 10 किलोमीटर की दूरी लोग तय करते हैं और बाबा धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। क्या हुआ नाम? अंकित सिंह। इसका मेरा सौरभ यादव। कहां से हैं आप लोग? तो आप लोग ये बताइए कि जलाभिषेक ले करने के लिए कहां से जा रहे हैं आप लोग? ध्वजाधारी धाम। कितना की दूरी तय करना पड़ता है? 10 किलोमीटर दूरी, 777 सीढ़ी। तो कहां से हैं आप? कोडरमा से। कितना दूरी तय करके आप जलाभिषेक कीजिएगा? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर और कितना सीढ़ियां चढ़ के? 77। देखिए एक कोडरमा से चलकर झुमरी तिलैया झरना कुंड धाम से जल लेकर 16 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं। कोडरमा से आए तिलैया, तिलैया से चलकर 777 सीढ़ियां तय करके जलाभिषेक करेंगे। आप कहां से हैं? हम हजारीबाग से चल के आए हैं। ये झरना कुंड से जल लेके ध्वजाधारी आश्रम चलना है। झुमरी तिलैया के झरना कुंड से जल ले लेकर खाली पांव और पैदल श्रद्धालुओं भक्त जनों के द्वारा पैदल चलकर ध्वजाधारी धाम में 777 सीढ़ियां चढ़कर बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जाएगा। साल में एक बार सावन के आखिरी सोमारी में यह जलाभिषेक किया जाता है और झरना कुंड झुमरी तिलैया से चलकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 777 सीढ़ियां चढ़कर जलाभिषेक किया जाता है। लाखों लाख श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जा रहा है।